हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। इसके लिए मैं इधर आधा कप जितने लौंग ली हूँ, इधर 2 इंच जितनी सौंठ ले ली हूँ सूखी हुई अदरक, एक जायफल ले ली हूँ और इधर 2 स्पून जितने दालचीनी ली हूँ, नॉर्मल वाली दालचीनी वो ले ली हूँ 2 स्पून जितनी। इधर आधा कप धनिया ली हूँ, धनिया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, तेज पत्ते 6 से 7 ली हूँ और इस तरीके की दालचीनी देख सकते होंगे आप, इस तरीके के 4 टुकड़े ले ली हूँ बड़े वाले और 2 स्पून बड़ी इलायची, जावित्री 3 स्पून ली हूँ, शाहजीरा 2 स्पून और 2 स्पून स्टार एनिस ली हूँ, काली मिर्च 3 स्पून ले ली हूँ और 2 स्पून हरी इलायची, 4 स्पून नॉर्मल जीरा ले ली हूँ सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ 2 स्पून ले ली हूँ। इतनी चीज़ों की ज़रूरत है हमें, इसको भून लेंगे। इसमें हम मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मिर्ची पाउडर थोड़ा 2 स्पून ऐड कर लेंगे लास्ट में। इस तरीके के स्पून से नाप के ली हूँ मैं। देखिए एक फ्राइंग पैन लेके मैं, थोड़ा हेवी बेस का पैन ले लीजिएगा। अब इसको फ्लेम ऑन करके थोड़ा हल्का गर्म होने देंगे हम। पहले हम धनिया ऐड कर लेंगे, धनिया को हम थोड़ा भून लेंगे। बस हल्का गरम कर लीजिएगा, ज़्यादा मत भूनिएगा, बस हल्के छूने से गरम लगना चाहिए आपको। इस तरीके के गरम करके भूनेंगे तो इसका फ्लेवर छोड़ेगा और गरम मसाला भी अच्छा रहेगा। ये गरम हो गए हैं, बस इतना ही गरम करना है, इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। इस पैन में हम लौंग ऐड कर देंगे, इसी के साथ ये चकले को तोड़ के ऐड कर देंगे इस दालचीनी को। ये नॉर्मल वाली दालचीनी भी इसमें ऐड कर लेंगे के साथ। जायफल और सौंठ को थोड़ा मैं तोड़ के ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा हम भून लेंगे, हल्का गरम होने दीजिएगा। हल्का ये भी गरम हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे हम। पैन में हम अभी तेज पत्ते को ऐड कर देंगे, इसी के साथ हम स्टार एनिस को भी ऐड कर लेंगे और काली मिर्च को और सौंफ, बड़ी इलायची और हरी इलायची, शाहजीरा, सफ़ेद ज़ीरा, जावित्री, सारी चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ मैं। ये सारी चीज़ों को हल्का गर्म होने देंगे। आपके पास रोज़ की पत्तियाँ होंगे तो भी आपको सूखे वाले 3 से 4 स्पून तक इसमें ऐड कर सकते हो, इसको भी हल्का हम गरम कर लेंगे। ठीक है, ये भी गरम हो गए हैं, इसको भी निकाल लेंगे हम। सारी चीज़ों को हल्का गरम कर चुके हैं हम, थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको पाउडर करेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अभी सूखा एक मिक्सर जार लीजिएगा, थोड़ा पानी भी नहीं रहना है, सूखा रहना है। अभी इसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके पाउडर कर लेंगे। एक ही टाइम में ये छोटा जार है, इसमें नहीं आएगा, अगर चाहे तो बड़े जार में भी आप पाउडर कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा पाउडर कर लूँगी। अच्छे से पाउडर कर चुकी हूँ, इसमें इस तरह से डालते जाएंगे सारा पाउडर करके, क्योंकि हम पाउडर सारा अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से जितना भी है मैं पाउडर कर लूँगी। देखिए आसानी से इसको हम मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 2 स्पून ऐड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, गर्म है ये ठंडा। देखिए दोस्तों, इसको ठंडा होने के बाद 8-8 कंटेनर में डाल के आप आराम से इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मसाला रेसिपी। अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।